नमस्कार, स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूँ आपके साथ पारुल। आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर भी होगी, तो पांच तस्वीरें आप देख लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात होगी जीएसटी को लेकर भारत बंद की। दूसरी खबर में हम बताएंगे कि पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर अब महंगाई का और बोझ पड़ने वाला है। तीसरी खबर खरगोन से है, जहाँ सख्त कानून के बाद भी तीन तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चौथी खबर में बात होगी खंडवा की, जहां एक लुटेरी दुल्हन पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। वहीं पांचवी और अंतिम खबर में हम बताएंगे कि किस तरह से पानी से परेशान ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया, जो कि मंडला से है। तो व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से जीएसटी के प्रावधान को की समीक्षा की मांग और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों सहित कई मुद्दों को लेकर भारत बंद बुलाया गया। देश के कई व्यापारी संगठन ट्रांसपोर्टर्स ने इस बंद का ऐलान किया था। इस दौरान बाजारों और ट्रांसपोर्ट को कई जगह बंद रखा गया। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली से इस बंद का असर देखने को नहीं मिला, जबकि देश भर में इसका मिला जुला सर दिखाई दे रहा है। वहीं देश के साथ ही प्रदेश में भी बंद है। हालांकि ये स्वैच्छिक है, लेकिन इसका असर प्रदेश के पुराने बाजारों के साथ खास तौर पर थोक किराना व्यापार पर दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को सुबह से जरूरी चीजों की दुकानें खुली। हालांकि भोपाल का थोक किराना बाजार जुमेराती में सुबह से ही इसका असर दिखाई दिया। यहां भी सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। बंद को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ऐसे आंदोलन की जरूरत नहीं है, हम बातचीत के द्वारा ऐसे इनको लेकर रास्ते निकाल सकते हैं, सरकार हर संभव कोशिश करती है। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार को लगातार अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए अपने द्वार खुले रखती है। इस तरह के आंदोलन की वैसे बहुत विशेष जरूरत नहीं है। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार को लगातार अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए अपने द्वार खुले रखती है। इस तरह के आंदोलन की तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स की ओर से जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा को लेकर और तमाम और मुद्दे जिनको लेकर बंद बुलाया गया था, और भारत में कहीं कहीं इसका असर दिखाई दिया, खासतौर पर जब हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी में भी असर दिखाई दिया है। चलिए इंदौर का हम रुख करेंगे। इंदौर से हमारे साथ कमलेश्वर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। वहाँ किस तरह की तस्वीर रही, कमलेश्वर से जान लेते हैं। कमलेश्वर जी, देखिए, ये जो आज का ट्रेड यूनियन का जो बंद है जीएसटी और महंगाई को लेकर, और जो जीएसटी में अलग अलग तरह के बदलाव किए गए हैं, इसको लेकर इंदौर में व्यापारिक संगठनों ने एकजुट होकर अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले इस बंद का समर्थन नहीं करने का निर्णय कल शाम को ही ले लिया था। तो सबसे मतलब ये है कि प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वो इस बंद का समर्थन नहीं करता। हालांकि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे जो राज्य, जैसे अभी आपने बताया महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल, यहां पर करीब करीब 1500 जगह पर धरना और चक्का जाम हुए, लेकिन मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहा है आज के बंद को देखते हुए। ऐसा ही इंदौर में है। इंदौर जो है वो शांत है, मतलब बंद नहीं हो रहा है, समर्थन नहीं किया यहाँ व्यापारिक संगठनों। कमलेश्वर, आपने व्यापारियों से बात की, उनका क्या कहना है, क्यों वो इस तरह का समर्थन नहीं करना चाहते, जबकि बड़ा शहर इंदौर और वहाँ के व्यापारी अगर साथ नहीं है तो ये साफ पता चलता है कि कुछ एक लोग ही इन तमाम चीजों को कर रहे हैं। हाँ, देखिए, नहीं, व्यापारी परेशान है। व्यापारियों का यह कहना है कि हमारी सरकार से बात चल रही है और सरकार हमारी बातों को गंभीरता से लेगी। हम अभी जो कोरोना काल में बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे हैं और बार बार बंद से लोग भी परेशान होते हैं, व्यापार प्रभावित होता है, इस कारण बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जीएसटी से परेशान जरूर है, ऐसा नहीं कि परेशान नहीं है, व्यापारियों ने कहा भी है। और अलग अलग जो यूनियन है, यहाँ पर करीब करीब एक 100 से ज्यादा संगठनों का अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स कंबाइंड जो है एसोसिएशन है, और उसने सभी व्यापारियों का कहना है और ट्रांसपोर्ट व्यापारियों का कहना है, क्योंकि खासकर तेल महंगा हो गया है। बस संचालकों ने कल अपनी हड़ताल करने का दावा किया था, फिर बाद में परिवहन मंत्री से बात होने के बाद वो स्थगित कर दी गई। तो सरकार के जो गोपनीय सूत्र है ना, वो एक्टिव है और वो कहीं ना कहीं इन सबको आश्वासन और वो कहीं ना कहीं इनको साध रहे हैं। इस कारण से व्यापारी जो है
वो थोड़ा सा रुक के अपना रुख अभी स्पष्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो परेशान जरूर है। और साफ तौर पर सरकार ने कह भी दिया है कि बातचीत कीजिए, हर संभव कोशिश की जाएगी मदद करने की। शुक्रिया कमलेश्वर जानकारी देने के लिए। तो व्यापारियों का जो संगठन है फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, इन्होंने बंद को लेकर कई जगह इनको समर्थन भी मिला, कई लोगों को नहीं मिला। और अगर हम इंदौर की तस्वीर जान रहे थे तो इंदौर में बाजार खुले रहे, किसी तरह का बंद लोगों ने नहीं किया था, व्यापारियों ने नहीं किया था। व्यापारियों का कहना है इस बंद से उनका नुकसान होता है, और चूंकि सरकार अगर ये कह ही रही है कि आपसी बातचीत से अगर कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं तो क्यों ना उस रास्ते को अपनाया जाए। लेकिन बाकी अगर जगहों की हम बात करें तो बंद का असर दिखा है, फिर चाहे आप भोपाल की बात कीजिए या कुछ और ऐसे शहर जहाँ पर जो व्यापारी हैं उन्होंने बंद किया हो। संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, भोपाल में किस तरह से बंद का सपोर्ट किया है जो व्यापारी हैं उन्होंने। रिजवान बताइए भोपाल की तस्वीर क्या रही। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, मिला जुला असर राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। कुछ दुकानें खुली भी हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। ज्यादातर देखने में यह है कि होलसेल जो विक्रेता है, जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो उन्होंने दुकानें बंद रखी हैं, और कुछ ने पेट्रोल डीजल और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसका विरोध करते हुए आज हड़ताल की है। जी बिल्कुल, यानी कुछ लोगों ने हड़ताल की, मिला जुला असर देखा गया। और ये भी बताइए जिन लोगों ने अगर नहीं बंद की तो उनका क्या कहना था, क्या वो बंद का समर्थन नहीं करते हैं, क्या वो जीएसटी में किसी तरह से बदलाव नहीं चाहते। कुछ दुकानदारों से इसमें बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना है कि बंद करने से सिर्फ आम जनता का नुकसान होना है, कोई अगर इससे समाधान निकले बंद करने से, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो कम हो, तो बंद का कुछ असर भी दिखे। क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने काफी देखने को मिला था कि जब 20 तारीख को कांग्रेस ने इसका आह्वान किया था बंद करने का, तो कुछ दुकानें बंद थी, कुछ खुली थी, लेकिन अब उस वक्त भी कुछ पेट्रोल डीजल के दाम ना कम हुए थे ना बढ़े थे। आज जब दुकानदारों से बात की तो साफ तौर से कहना है ना पिछले बार कुछ असर हुआ ना इस बार, इससे जनता का नुकसान है और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो व्यापारियों का ये भी कहना है कि इसमें जनता का नुकसान है, उनका भी नुकसान है, और पहले भी इस तरह के प्रदर्शन आंदोलन हुए, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही मध्य प्रदेश की जनता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब बस में सफर करना महंगा होगा। शिवराज सरकार ने बस किराया को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इस संबंध में प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा बस ऑपरेटर पिछले कई दिनों से यात्री बसों का किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मामले पर सीएम शिवराज से चर्चा होने के बाद किराया बढ़ाने पर सहमति मिल गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक 1 मार्च से किराया बढ़ेगा। किराया कितना बढ़ेगा ये बस संचालक और यात्रियों की आपसी सहमति से तय किया जाएगा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बस किराया 15-20% बढ़ाने की तैयारी है। प्रदेश में अभी डिलक्स बस करीब 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर और लोकल बस 1 रुपये प्रति किलोमीटर की किराए पर चलती है, यानी भोपाल से इंदौर की दूरी में 190 किलोमीटर, और अभी डिलक्स बस से किराया 237 रुपये लिया जाता है, यात्री देते हैं। अगर किराए में 25% की बढ़ोतरी होती है तो ये किराया 298 रुपये के करीब हो जाएगा। वहीं साधारण बस का किराया 1 रुपये प्रति किलोमीटर है, यानी अभी 190 रुपये किराया है, 25% की बढ़ोतरी होने पर किराया 238 रुपये के करीब हो जाएगा। मतलब साफ है कि महंगाई की मार झेल रही जनता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सरकार की तरफ से बयान सामने आने के बाद बस ऑपरेटर की 26 और 27 फरवरी को होने वाली हड़ताल स्थगित कर दी गई है। तो बस ऑपरेटर्स की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है, क्योंकि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि या यूं कहें कि फैसला लिया गया है कि अब किराया जो है यात्री भाड़ा वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये सीधी मार जो है एक बार फिर जनता पर ही पड़ने वाली है। इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ हेड हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रत्नाकर जी, बस किराया जो बढ़ेगा उसका भार एक बार फिर जनता के ऊपर आएगा, या जिनका रोज अप एंड डाउन का काम है उनके साथ तो और ज़्यादा मुसीबत है, उन्हें तो 1-1 रुपये बचाना पड़ता है। अब सीधा 15-25% की बढ़ोतरी, यानी उनके ऊपर तो और ज़्यादा परेशानियाँ। और फिर जब हम माल की अपलोडिंग करते हैं, कोई का सामान इधर से उधर जाता है तो उसका भी अब किराया बढ़ेगा, यानी ऑल ओवर बस का किराया बढ़ने के बाद तमाम चीज़ें एक बार फिर महंगी हो जाएंगी। जी हाँ, निश्चित रूप से। और इसका एक बुरा पहलू ये है कि जिस समय पर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम 100 रुपये के पास पहुँच चुके हैं, उस समय पर एक ये जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट था, बसेस खासतौर से आपकी बसें, इसके चलते कुछ लोग जो खासतौर से लोअर मिडिल क्लास के लोग या काफ़ी हद तक मिडिल क्लास के लोग भी एक राहत की स्थिति में थे। आप इस बात को देखेंगे
की बड़ी संख्या में इटारसी, इधर बीना और जो आसपास के जो शहर हैं वहाँ से लोग नौकरी करने के लिए बसेस में दूसरे शहर जाते हैं। जो भी मेट्रो, जो भी बड़ी सिटीज हैं, इंदौर हो गई, जबलपुर हो गई, ग्वालियर हो गई, भोपाल, इन सबके आसपास से काफ़ी डिस्टेंस से लोग बसों में सफ़र करके रोज़ाना नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। जिन लोगों को इस बात से आश्वस्ती थी कि पेट्रोल के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ने के बावजूद वे बसों में यात्रा करके अपने खर्चे सीमित रख सकते हैं, उनकी जेब पर भी कुछ इसकी मार पड़ेगी। लेकिन बस ऑपरेटर, क्योंकि उनकी मांगें जेन्युइन दिखती हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जो महंगाई बढ़ रही है इसके चलते उन्होंने भी मांग रखी थी, तो 50% तक की डिमांड कर रहे थे कि 50% किराया बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि सरकार उतने के लिए राजी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अगर किराया बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। और जो लोग पहले ही घरेलू गैस की कीमतें हो गई, पेट्रोल के दाम हो गए, इन सब में अंधाधुंध गरीबी से परेशान थे, उनके लिए कुछ और कठिनाई वाला समय आने जा रहा है। रत्नाकर सर, देखा जाए तो उससे पहले जब लॉकडाउन था, टैक्स माफ़ी को लेकर बार बार जो बस संचालक हैं उनकी तरफ से सरकार से बात की गई थी, तो सरकार ने कदम आगे बढ़ाते हुए उस वक्त भी कहीं ना कहीं बस ऑपरेटर्स, बस संचालकों का सपोर्ट किया था। लेकिन उधर भी राहत नहीं दी जा रही और इधर भी जनता पर ही प्रेशर बनाया जा रहा है, किराया बढ़ाया जा रहा है, तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर 15-25% किराया बढ़ेगा तो अब जनता से कह रहे हैं कि जनता और जो बस संचालक है उनकी अंडरस्टैंडिंग से किराए में बढ़ोतरी होगी, तो जाहिर है चाहे 5% बढ़ाइए, 10 बढ़ाइए, 15 बढ़ाइए, लेकिन राहत पहले भी दी जा चुकी है और अभी हड़ताल पर नहीं बैठे थे, उससे पहले ही उनकी बातें मान ली गई। ये कह सकते हैं कि पहले 3 साल से जो किराया नहीं बढ़ा है उसको लेकर अब सरकार ने डिसीजन लिया हो, लेकिन एक के बाद एक मार, वो भी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आप एक के बाद एक करके जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बस ऑपरेटर्स जो लामबंद हुए हैं उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिकल मूव भी हो सकता है। सीधी बस हादसे के बाद में आपको याद होगा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद बसों की जांच करने पहुंच गए थे, परिवहन अमला पूरे प्रदेश में सख्ती बरतने लगा था, जो लोग गलत रूट पर बस संचालित कर रहे हैं, क्षमता से ज़्यादा यात्री बैठा कर बस संचालित कर रहे हैं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है कि बस ऑपरेटर्स इस डिमांड के जरिए अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में आ गए हों, उन्होंने एक तरीके से जब ये कहा था कि वो लोग हड़ताल पर चले जाएंगे आज से, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की परेशानी का इंतजाम उन्होंने खड़ा कर दिया था, तो उसके चलते सरकार कुछ पीछे हटते दिख रही है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से लॉकडाउन के समय पर सरकार ने इन्हें राहत प्रदान की थी, और किराए को लेकर भी जिस तरीके से अब इनका माना जा रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यदि आप किसी चीज़ की कीमत 50 रुपये ज़्यादा वसूलना चाहेंगे और उसके बाद अगर सामने वाला 20 रुपये भी ज़्यादा दे देगा तो भी आप 30 रुपये के घाटे में नहीं आते, 20 रुपये के फायदे में जाते, तो उसी तरीके से जितना भी किराया बढ़ेगा लेकिन वो कोशिश करेंगे 15-20% के बीच में बढ़े। और आम जनता को, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, जैसा आप भी कह रहे हैं कि आम जनता को ही अल्टीमेटली सफर करना पड़ता है, बस ऑपरेटर खुश हो जाएंगे, सरकार संतुष्ट हो जाएगी, और जो आम जनता जिसके इन बसों से सारों का रोज का पड़ता है वो अब फिर और ज्यादा सफर करने लगेगी। बहुत शुक्रिया रत्नाकर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 3 तलाक पर सख्त कानून बनने के बाद भी देश भर में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में इस तरह का, मध्य प्रदेश में भी लोगों के अंदर कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है, जहां पीड़ित महिला का साल 2017 में अदलपुरा के मोहम्मद शाह के साथ निकाह हुआ था और निकाह के 2 साल बाद उसका पति मारपीट करने लगा, जिसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी, जिससे गुस्साए पति ने उसे तलाक दे दिया। वहीं अब पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, 3 साल पहले 3 तलाक को लेकर बने सख्त कानून के बाद भी जिले में 5 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। अकेले गोगावा थाने में 3 तलाक का 3रा मामला है और खरगोन में 2 मामले दर्ज है। थाना क्षेत्र की एक मुस्लिम महिला द्वारा उसके पति के विरुद्ध प्रताड़ना करना और 3 बार तलाक तलाक बोलकर तलाक देने के संबंध में एक कंप्लेंट पाई गई और उसकी शिकायत को प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए उसमें 3/4 मुस्लिम
मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन मैरिज एक्ट के अंतर्गत एवं 498A IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस संबंध में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो देखिए, ट्रिपल तलाक कानून जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि इस कानून को सख्ती से लागू करवाया जाएगा और इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल लोगों में इस कानून के आने के बाद भी कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा है और जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार वो भी ये बताते हैं। हम बात करें गोगोआ थाना क्षेत्र की, तो तीन तलाक का तीसरा मामला है और खरगोन में दो मामले पहले ही आ चुके हैं। दिनेश संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, इस तरह के मामले अब यहाँ पर निकल कर जो सामने आ रहे हैं, हालांकि ये ट्रिपल तलाक कानून आने के बाद ये तीसरा मामला यहाँ से निकल कर सामने आया है और खरगोन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर दो मामले आ चुके हैं। पुलिस अब इस मामले में किस तरह से लोगों के बीच काम कर रही है? क्या लोगों में जागरूकता नहीं है कि आप किसी तरह से, या जो लॉ है उसमें अगर आप तीन बार तलाक 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 कहकर तलाक देते हैं तो वो मान्य नहीं है, उल्टा अगर पत्नी शिकायत करती है तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। क्या लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है या खौफ ही नहीं है? कितने भी कानून ला दीजिए, जिन्हें जो करना है वो करेंगे। पारुल, ये खरगोन जिले के गोगावा थाना क्षेत्र के ग्राम अदलपुरा का मामला सामने आया है। ये मुस्लिम महिला की शादी 4 वर्ष पूर्व खंडवा के रहने वाली महिला है और अदलपुरा गांव में इनकी शादी हुई थी और पारिवारिक विवाद के चलते तीन बार तलाक बोलने से तीन तलाक वाला मामला सामने आया है। और जहां तक पुलिस की जांच और पब्लिक में जागरूकता वाली बात है, तो पुलिस द्वारा इस तरह का प्रचार प्रसार इस कानून के बारे में ज्यादा जागरूकता लाने के लिए नहीं की जा रही है और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ये भी कि जो तीन बार तलाक बोल के तलाक देने के मामले थे पहले आते थे, कानून बनाने के बाद ये लगा था कि अब नहीं आएंगे या फिर कम आएंगे, लेकिन देखिए दो जगहों से तीन और दो मामले खरगोन से सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं, खंडवा की बात करेंगे। खंडवा पुलिस ने 2 साल से फरार चल रही एक लुटेरी दुल्हन और उसके सहयोगी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका था। इस लुटेरी दुल्हन ने 2 साल पहले खंडवा के एक युवक से शादी की थी और 2 दिन बाद ही 90,000 रुपए लेकर गायब हो गई थी। पुलिस तभी से इसकी और इसके सहयोगी की तलाश कर रही है। आपको बता दें, मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक की बात अगर हम करें तो उन्होंने किया है। मामले को लेकर ये खुलासा वो 2 दिन बाद ही अपने माँ की तबीयत खराब होने का बहाना कर रही थी और इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम में इस मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने अप्रैल 2019 में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दीपाली नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई थी। 2 दिन बाद ही अपनी माँ की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो गायब हो गई। इस लड़की से शादी के बदले से मध्यस्था बने दो दलालों ने इस युवक से 90,000 रुपये लड़की की मां को देने के लिए लिए थे। युवक की शिकायत पर एक दलाल उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुंबई का रहने वाला भागवत नाम का दलाल और ये लुटेरी दुल्हन दोनों फरार चल रहे थे। दलाल भागवत के पास से पुलिस ने कई फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र, लड़कियों के फोटो और शादी समारोह की फोटो बरामद की है। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़ी लुटेरी दुल्हन का कहना है कि इस अपराध से उसका करियर बर्बाद हो गया है। कि इन्होंने सामने वाले को सच नहीं बताया कि मुझे बच्चे हैं, तो सामने वाले ने नहीं बताया, तो मुझे पता है कि उनको नहीं बताया, तो मुझे लगा कि मैं कहीं धोखा दे रही हूँ, इसलिए मैं अपने घर चली गई, मैं भाग कर नहीं गई हूँ। मैं भी एक ट्रैफिक वार्डन में काम करती हूँ, मेरा करियर पूरा बर्बाद हो गया है। मैं पूरा 2019 में ना सदाशिव पिता भालाजी गुजर जो थे, ये छेगांव माखन के थे, इन्होंने शादी किया था, कोर्ट मैरिज किया था यहाँ कोर्ट से, और जो दुल्हन थी उनकी और जिनके माध्यम से शादी हुई थी दोनों बॉम्बे के थे। शादी के दूसरे दिन बाद ही वो सब पूरा सामान वामान लेके चली गई थी और शादी में उन्होंने ना 90,000 के उन्होंने पैसे भी उसको दिए थे शादी करने के लिए। जब उनको दूसरे दिन समझ में आया कि अपने साथ घटना हो गई है, जब पुलिस के पास मैटर आया तो पुलिस ने इस पर केस रजिस्टर किया था। जिस मीडिएटर के माध्यम से शादी हुई थी उससे तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था अप्रैल में, लेकिन चूँकि वो दोनों पार्टी जो थी दुल्हन और दुल्हन के साथ का उसका जो रिलेटिव जो बन के आया था वो लोग बॉम्बे के थे, तो वो उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं थी। 2019 से प्रकरण पेंडिंग था, 2000 ये लोग शायद बॉम्बे में हैं, तो पुलिस ने इस पर थोड़ा सा अच्छा काम किया छेगांव पुलिस ने इसमें, और इनको ट्रेस किया है दीपाली और फिर दीपिका को, उनको गिरफ्तार किया है दुल्हन को, और उसके साथ वो भागवत उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, और इनके पास से काफ़ी मात्रा में फ़ोटो, आई कार्ड वगैरह बरामद हुए हैं
इन्होंने काफी जगह इस टाइप की घटनाएं की हैं, तो उस पर पुलिस ने इनका रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये खबर को और भी समझते हैं। संवाददाता शरद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद, ये बताइए, जिस महिला की हम बाइट सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा करियर खराब हो गया, मेरे दो बच्चों के बारे में बताया नहीं गया था शादी के समय, और उसके बाद वो चली गई अपनी माँ की तबीयत का बहाना करने के बाद, इसके बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही है? पहले भी इस तरह की ठगी में शामिल रही है महिला? देखिए, अभी पुलिस ने इनको गिरफ्तार तो बॉम्बे से कर लिया है, दो साल से ये लोग फरार थे यहाँ पर ठगी का मामला करने के बाद, लेकिन अभी पुलिस इनकी रिमांड ले रही है और रिमांड पर लेने के बाद ही पूरी जानकारी निकल करके आएगी कि इन लोगों ने आगे और कौन सी घटनाओं शामिल थे और किन किन जगहों पर ऐसा कांड किया हुआ है। चलिए, फिलहाल जांच में चल रहा है ये पूरा मामला। बहुत शुक्रिया शरद जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस तरह के मामले जो निकल कर सामने आते हैं, इसमें दोष कुछ उन्हीं का होता है जो ठगे जाते हैं। आप पूरी इंक्वायरी नहीं निकालते जिससे भी आप शादी करने वाले हैं, रिश्तेदारी आपकी चल रही है, तो आपको पूरी जानकारी पहले निकालनी होगी, तभी इस तरह के मामले थमेंगे, वरना ठगने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निर्माण एजेंसियां निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। ताज़ा मामला मंडला जिले से सामने आया है, जहां निर्माण एजेंसियों की लापरवाही की वजह से मनेरी गाँव के लोग इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं, जिससे परेशान ग्रामीण बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा भी किया, जिसमें कई महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें, इन दिनों मनेरी से निवास तक सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते निर्माण कंपनी ने खुदाई करते वक्त नल जल योजना की पूरी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी वजह से पिछले कई हफ्तों से ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं सड़क पर हंगामा होता देख निर्माण एजेंसियां और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले को शांत करवाया है। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और इस बात को लेकर इकट्ठे हैं कि GRTC कंपनी के द्वारा जो ये जो सड़क का निर्माण कराया गया है, इसमें इन्होंने निर्ममता के साथ में हमारे सारे पाइपों को ध्वस्त कर दिया है, और उनके पाइप ध्वस्त होने से यहाँ पर पानी की व्यवस्था चरमरा गई है और महिलाएं और पूरे परिवार, यहाँ के कम 200 परिवार रोड पर हैं, पानी के लिए त्राही त्राही मची है। पानी तो बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, और नल जल योजना वाले क्षतिग्रस्त कर दिए हैं पाइप को, तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। रोड लाइन का काम चल रहा था इसी कारण। कितने दूर से पानी लेके आना पड़ रहा है? 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है हम लोगों को। तो फिलहाल अधिकारियों को समझाकर पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया है, लेकिन सवाल ये कि एक सड़क आप बना रहे हैं, दूसरी चीज को आप खराब कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।